हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग बसंत की पुस्तक से पाठ 13 जिसका शीर्षक है जहाँ पहिया है पाठ के बारे में देखेंगे कि इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों है। यह घटना है तमिलनाडु की एक साइकिल आंदोलन का वर्णन है। इसमें साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। आगे बताया गया बच्चों, पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है, अर्थात जो अभी पढ़कर निकली हैं नवसाक्षर, नई पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं के लिए आम बात हो गया। अपने क्या बात हो गई, नई पिछड़ेपन पर लात मारने, यानी जो जिससे हम महिलाएं पिछड़ी हुई थी उसका विरोध करने के लिए, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं, कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। इसके द्वारा ये बताया गया कि महिलाओं का समाज में कोई स्थान नहीं होता और वह हमेशा पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। इस बात को नई पढ़ी लिखी जो ग्रामीण महिलाओं ने हैं, उन्होंने इसका विरोध व्यक्त करने के लिए साइकिल का आंदोलन शुरू किया। उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया कि तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, तो उनके अंदर आत्मविश्वास जागा। आगे देखा गया बच्चों, इसमें भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। इसमें गरीब जिला बताया गया है पुडुकोट्टई को। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को, यानी निरंतर बढ़ते रहने को अभिव्यक्त करने के लिए किसको चुना बच्चों, साइकिल को। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। आगे बच्चों देखो क्या है, अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। इसमें बताया गया कि ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, यानी बैंग बोलते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, जिन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया उनके बारे में बताया गया कि वो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की हैसियत उनकी नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में खास आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इसमें बताया गया बेटा कि साइकिल चलाना कितना कठिन काम था, लेकिन फिर भी महिलाओं ने शुरू किया, ठीक है। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि साइकिल चलाने से औरतें जो हैं आत्मनिर्भर बन गईं और उन्हें पुरुषों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। इनका विरोध किया गया, पुरुषों ने बहुत विरोध किया। आगे देखो बताया गया ऐसा कि इसने पुरुषों पर उनकी आत्मनिर्भरता कम कर दी और साइकिल पर अपने सामानों को लाद कर दूसरे स्थानों पर जाके ये बेच करके और अब आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गई, ठीक है। तो साइकिल इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है
साइकिल चलाने से महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता आई, आत्मविश्वास जागा और आत्मसम्मान बढ़ा। ठीक है, तो इस पाठ में इसी के बारे में बताया गया है। ये पूरा पाठ यही है, इसलिए इस पाठ का ये सारांश है कि जहाँ पहिया है यानी जहाँ साइकिल है वहाँ महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता आई और उन्होंने अपने तरीके से जीना सीख लिया। इसमें देखो ये दिया गया है 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या परिस्थिति थी, कैसा दृश्य था। हैंडल पर झंडिया लगाए घंटिया बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुरुकोट्टे में तूफान ला दिया। 1500 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। आगे बताया गया कि पुरुषों ने बहुत विरोध किया इसका, लेकिन इसके पक्ष में आर साइकिल्स वाले मालिक थे। आर साइकिल्स के मालिक वो इसलिए थे कि इनकी बिक्री हुई, लेडीज साइकिल की बिक्री हुई, इसलिए इन्होंने साइकिल आंदोलन का समर्थन किया। तो इस पाठ का ये सारांश है बेटा कि महिलाओं ने अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए साइकिल को चलाना शुरू किया। अंत में देखो एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं के लिए लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल यहाँ की औरतें समझ सकती हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इसको लिखा है पी साईनाथ ने। ठीक है बच्चों, तो यह थी जहाँ पहिया है की कहानी। ठीक है बच्चे, इसका प्रश्न उत्तर भी है, इसके बारे में तुम्हें बताया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।